तो चैनल गाइस आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज आप लोगों को फीचर माय कार सेगमेंट से जो है हम लोग दो स्पेशल भाइयों को लेके आए। क्या नाम है भाई? अक्षय हमारे साथ है, सहज हमारे साथ है, सहज ठीक है, थोड़ा सा शह वाला समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो भाई ने जो है अपनी जबरदस्त दिखने वाली गाड़ी, अब अगर आप लोग इस गाड़ी को एकदम से फ्रंट लुक के उससे देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी है कौन सी, लेकिन ये है टोयोटा की यारिस। हाँ जी, यारिस। और भाई कब ली थी आपने ये गाड़ी? मैंने ली थी 19 के एंड में, अक्टूबर नवंबर के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 अक्टूबर को ली थी। चलो भाई मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं पता यारिस जो है वो मार्केट में वरना और होंडा सिटी के कंपटीशन में निकाली गई थी, लेकिन थोड़ा सा इसको लो रिस्पांस था लोगों का, क्योंकि यार गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरप्राइस थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थी ओवरप्राइस, ठीक है। वरना वगैरह, वरना का टॉप मॉडल इससे बहुत सस्ता था। लेकिन वरना और होंडा सिटी ना लेके यारिस लेना क्या रीजन है? एक तो यार मेरे को टोयोटा बहुत पसंद है, ठीक है, और लाइक मेरे पापा ने पहले लाइक मेनली कहा था, मेरी पास फॉर्च्यूनर थी, ठीक है, तो अब वो चोरी होगी। ओ, नहीं थी ओल्ड वाली, ब्रांड न्यू नई वाली जो फेसलिफ्ट आ रहा है ना वो वाली थी, शेट 2018 मॉडल। तो अब फिर वो चोरी हो गई, तो पापा को ना है, पापा जो बंदा एक बार टोयोटा चला चुका हो ना तो उसको मजा टोयोटा में आता है, ठीक है। तो लाइक पापा को ना गियर बॉक्स का बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मूथ गियर शिफ्ट। और लेकिन ये दोनों मतलब गाड़ियां जो होंडा सिटी है और वरना उनसे ज्यादा अच्छी है, हाँ, उनको रेस में हरा सकती है आराम से। लाइक पता है मेनली बात क्या है, जो उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना बहुत अच्छी है, ठीक है। टोयोटा का इंजन वो सिर्फ पैसेंजर इंजन के और रिलायबिलिटी के और कुछ नहीं है इसका। चलो भाई ऐसा है भाई, तो रोड पे जब चलती है गाड़ी तो लोगों का क्या रिस्पांस आता है भाई? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पसंद आती है लोगों को, लोगों को पता ही नहीं है यारिस है कौन सी अभी तो। चलो लाइक मैंने एक दो बार लोगों को बोल, लोग कहते भाई तो नीड फॉर स्पीड में सुबारू नहीं आती, तो सुबारू जैसी लगती है, ठीक है। मैं वही चीज, हम लोगों को जो है भाई मिले थे हमारे संडे ड्राइव में, तो संडे ड्राइव में हमने बात करी थी, आज आप लोगों के सामने जो है गाड़ी लेके आ रहे हैं हम लोग। तो ये गाड़ी है 2019 एंड की, हाँ जी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2020 लगा लो, ठीक है। इस गाड़ी को 2 साल हो चुका है, कितना किलोमीटर आप गाड़ी को चला चुके? 15,000 चलिए। ये पेट्रोल है, कौन सा वेरिएंट? पेट्रोल सीवीटी। और ये कितने सीसी के इंजन में आती है? ये 1600 है शायद, 1600 या 1500, 1600 हो गया, 1.6 वाली आती होगी। आप लोग बाकी बता देना अगर कुछ भाई गलत बता रहे हो, ठीक है। तो अब इस गाड़ी के जो है हम लोग मेन चीज जिसमें हम आपको फीचर माय कार में आइडिया देते हैं, साथ ही साथ में हम आप लोगों को टेस्ट भी दिखाते हैं लोगों का। तो भाई इस गाड़ी में स्टॉक क्या आता था पहले फ्रंट में ये बताओ। इसमें स्टॉक जब मैंने ली थी तो नॉर्मल हेडलाइट थे, प्रोजेक्टर थे, ठीक है, एंड लाइक वो फॉग लाइट नहीं थे। इसमें फॉग लाइट अपग्रेडेड है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ठीक। ये तो आता था? नहीं, ये DRL लगी हुई है, ये टॉप मॉडल के अंदर आता था, मेरी टॉप मॉडल नहीं है, ठीक है। मेरी बेसिक ऊपर वाला मॉडल है, मतलब मिड मॉडल है, मिड मॉडल है, ठीक है। इसमें ये नहीं आता था, ये लगा हुआ है, ठीक ये है। मेरी ये चीज और ये फॉग लैंप के कवर्स पियानो ब्लैक पेंटेड है, ठीक है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मेरे नीचे किट लगी हुई है, ठीक है भाई। ये आपने क्या मतलब, ये इसकी परफेक्ट किट आती है या फिर आपने लगा रखी है बस? ये मैंने बनाई हुई है यार, ये मैंने फाइबर की, हाँ जी फाइबर की, कस्टम मेड है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फाइबर के साथ में थोड़ा कलर मैचिंग जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो चीज आप लोग देख रहे हो। उसके ऊपर सिल्वर रेडियम टेप लगी हुई है इसलिए अलग लग रहा है कलर। अच्छा, हाँ सिल्वर रेडियम टेप है ये जो आप देख रहे हो ना, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं उनको जो है कवर करना होता है, ठीक है। और इस किट के साथ में कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को? इस किट के साथ में अप्रोक्सीमेटली ये मैंने ली थी, मैंने देखो ऑर्डर दिया था पिछले साल नवंबर में, ठीक है, पर 3 महीने लग गए किट को बनने में, 2 बार बनी है किट खराब हो गई थी। पहले एक बार ना मजा नहीं आया, लेकिन जो शेप बनी थी मैंने जिनको फोटोज दी थी तो शौकीन भाई को, वो इतनी बढ़िया नहीं बनी, तो फिर 2 बार बनी थी, टाइम लग गया। तो अप्रोक्सीमेटली जनवरी के अराउंड मेरे को किट मिली, वेरी नाइस। तो भाई आप लोगों को जिनके पास यारिस है उनको एक आइडिया वाइज भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो फॉक्स है इसमें कुछ अपग्रेड किया हुआ, IPS है? IPS नहीं है, बलिनो का प्रोजेक्टर है। अच्छा, बोलिनो के जो हेडलाइट वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं ना वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का 3 इंच से थोड़ा बड़ा है, बड़ा है, है? 3 इंच नहीं है, बड़ा है। तो भाई फ्रंट से 25 समथिंग है, ठीक है भाई। फ्रंट से अगर आप लोगों के पास यारिस है आप ऐसी कुछ गाड़ी अपनी तैयार करा सकते हैं। फाइबर का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। इसमें टेप लगा हुआ है? हाँ जी, ये स्मोक्ड, ये लाइटेड प्रिंटेड है, स्मोक्ड है, ठीक है। ऊपर आईलेट्स बनी हुई है, ठीक है भाई। ये आईलेट्स आजकल काफी ज्यादा स्टाइल है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है भाई। एंड नीचे फ्लैशर लगे हुए हैं, वेरी नाइस भाई, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है फ्लैशर, अच्छा ये है भाई, ये मत लगा, ये पुलिस वाले नहीं है, हम तो इस पर काम करते हैं। एक बार जला के दिखा दो भाई जरा लाइटिंग सेटअप इसका, ठीक है। आप लोगों को फ्रंट से हम लोग दिखा देंगे और हम लोग अपनी फेवरेट लोकेशन यानी कि अपने घर के पास जो है वो हम लोग पूरा दिखा रहे हैं। तो अक्षय भाई जो है उधर चले गए, ठीक है। मीनवाइल इसमें जो ये रेड कलर का नीचे है ये कैस्केड टेप लगी है, क्या है ये? देख लो भाई आप लोग, और लाइट फ्लैश कर रही है, कितनी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और इस गाड़ी का नाम गॉडफादर है क्या है भाई? इस गाड़ी का नाम गॉडफादर दिया हुआ है, तो इसका लाइटिंग सेटअप भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये इंडिया की पहली यारिस और आखिरी यारिस ही होगी जैसे तैयार है, और एक सिर्फ और है वो उसमें सब कुछ हुआ हुआ है, लाइक ये बॉडी के जो ये बॉडी के शेप है इसकी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी के अंदर। नहीं वैसे जो यारिस तैयार हुई है वो कहाँ पर है?
वो एक तो शकीन भाई ने करी है, ठीक है, बट वो मैट ब्लैक है पूरी एंड उसमें फेंडर वगैरह सब कुछ बने हैं, ठीक है। ये किट की इकलौती है, और जो दूसरी गाड़ी है वो केरला के अंदर है, बट उसकी एबीएस की किट है, उसकी एबीएस की किट है, वो मेरे को भी मिल रही थी बट वो बहुत ज्यादा कॉमन है तो मैंने वो नहीं लगवाई। अच्छा, तो ये किट इस शेप की एक ही है, ऑल इन वन इंडिया। तो इस गाड़ी में कुछ पेंट वेंट कुछ करा है भाई? ये सिर्फ किट पेंट है, उसके अलावा कुछ पेंट नहीं। वेरी नाइस भाई, सब कुछ। एक बार हेडलाइट ऑन करके दिखा दो लोगों को, ठीक है भाई। हेलो जी। अच्छा, इसमें अपग्रेड नहीं करा है? अच्छा, लेकिन आप देख लो स्मोक में कैसा लुक आएगा। फॉग लैम्प भी चला दो, ठीक है, तो आप लोगों को फॉग लैम्प में जो मजा आया वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्लैशर का कलर वो भी चेंज होता है? नहीं, कलर नहीं, मोड चेंज होते हैं, कलर मोड में 10-12 हैं। तो क्या है वो, रिमोट से होता है? नहीं, वो बटन है जिस बटन से ऑन होता है ना, उससे चेंज। दो तीन बार उसको दबाने से? नहीं, एक ही बार दबाने से, अलग दो अलग अलग बटन है। अच्छा, ओके। तो भाई ये तो हो गई फ्रंट की बात। अब गाड़ी के अगर आप लोग साइड प्रोफाइलिंग की तरफ में आते हो तो साइड से ये गाड़ी पूरी होंडा सिटी लगती है। हाँ जी, लगती है, बिल्कुल है। ये गाड़ी का पूरा जो लुक अलाइक आता है वो इसका होंडा सिटी वाला आता है, आप लोग फील देखोगे। वरना होंडा सिटी ये सारी गाड़ियां सेम ही लगती है, तीनों सेम लगती है। एक बार बंद कर दो गाड़ी, ठीक है। वैसे वरना नहीं कह सकते क्योंकि वरना में जो क्रीज लाइन है थोड़ी डिफरेंट है, हां जी कह सकते हो, है ना। लेकिन भाई गाड़ी जो है उसमें क्या कुछ लो करा रखा, कुछ कैसा क्या है? गाड़ी लो नहीं है, बट किट की वजह से लगती है गाड़ी लो, ठीक है। गाड़ी लगती है कहीं पर अगर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा लगती है। आप किट के नीचे झुक के देखो, जो चारों तरफ से किट नीचे से पूरी घिसी हुई है, ठीक है भाई, आप लोग खुद देख पाओगे इस चीज को। अगर तो गाने बंद कर दो, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। हाँ जी, गाने बज रहे आएगा, ठीक है। तो भाई ने कर दिया बंद, ठीक है। तो साइड से उससे आप देख लो, जो छोटी छोटी चीजें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये टायर स्टिकर लगा हुआ है, मत लगवाना, इससे गाड़ी की वॉल खराब होती है टायर की। हाँ, कह सकते हो यार, मेरे तो शौक है गाड़ी, तो उस तरफ बहुत ज्यादा कम चलती है, इसे लगवाया, ठीक है। ये जो है इस शीशे को क्या कहते हैं भाई? ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर था, नॉर्मल हर जगह है, फायदेमंद है। नहीं, सिर्फ लुक्स के लिए है, लुक्स के लिए ना, इसका कुछ फायदा नहीं है भाई। हाँ। और बाकी सब कुछ स्टॉक है, आगे से क्रोम लगा रखा भाई ने, ये क्रोम है एंड देन क्या कहते हैं, अलॉयस पेंटेड है, सैटर्न मैग्नाइट के अंदर, ठीक है। सैटर्न कुछ नाम नहीं याद हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। और क्या कहते हैं, कितने आते हैं स्टॉक इसके, स्टॉक कितने इंचेस के आते हैं? ये 15 आते हैं इसके स्टॉक, 15 ही आते हैं जो स्टॉक आपने लगाया था। एंड क्या कहते हैं, ये वो है, इसके अंदर पर्ल डाला हुआ है, तो रात को ये ब्लैक शाइन करते हैं। ओके, थोड़ा अगर आप अभी टॉर्च मारोगे तो गोल्डन लगेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? मारो मारो फ्लैश, तुम ही मारो फ्लैश, ठीक है। देख लो भाई, भाई कुछ ऐसी नई तकनीक बता रहे हैं हमें। देखो भाई, थोड़ा सा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो कितना जस्टिस हो सकता है, ठीक है। गोल्डन आता है, लुक आता है, एंड पीछे से कैलिपर्स वगैरह चारों तरफ के रेड है, ब्लड रेड पेंटेड है। इंश्योर्ड बाय माफिया, यू हिट मी वी हिट यू, ठीक है भाई। ये स्लोगन है भाई ने लगवा रखा है। तो रियर से जो है आप लोगों को, रियर से देख के थोड़ा सा लोगों को फिर भी पता चल जाता है कि यार इस है, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसका भी पीछे से कुछ रियर में कुछ कराया? हाँ, एक किट लगी हुई है एंड लाइटेस्ट प्रिंटेड है। अच्छा, ये किट बनने में 3 महीने लग गए? नहीं यार, पहले एक बनी, मेरे को मजे नहीं आए। अच्छा, एंड देन उसका लॉकडाउन चल रहा था तो वैसे टाइम लग गया। ओके, तो फिर दूसरी जब बनी, फिर मैंने जब, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ ऑनलाइन होता है फोटोज वगैरह मंगवाने में, क्योंकि फरीदाबाद जाना आसान नहीं है, मेरे फिर भी 4 चक्कर लगे थे, बट हाँ बाद में जाके 3 अप्रोक्सीमेटली महीने बाद मिल गई थी। वेरी नाइस। और अभी तक किट सही चल रही, कहीं से टूटना कुछ भी नहीं? नहीं, आगे से मिस, मेरी किट आगे से 2 बार रिपेंट हो चुकी है। अच्छा, करेक्ट। रियर में आप लोगों को जो है लिप स्पॉइलर देखने को मिलेगा, ये स्पॉइलर जो होता है आप लोगों का कार्बन फाइबर में आपको देखने को मिलेगा, सेम ऊपर देखने को, इसको समुराई बोलते हैं वैसे, समुराई कहते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ लुक है आप लोगों को गाड़ी का जो देखने को मिल गया। शीशे भाई ने काले करा रखे, हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन भाई पर्सनली ना यारिस के अंदर बैठने की क्या फीलिंग है, मैं भी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूँ, ठीक है भाई। गाड़ी आप लोग पूरा अंदर से एक बार फील करके देखो भाई, एक नंबर का पाइनियर का इसके अंदर जो है आप लोगों को स्टीरियो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार गाड़ी भाई ऑन करो और परफेक्ट करा रखा भाई ने, मैं देख रहा हूँ गाड़ी, मतलब थोड़ी गंदी पड़ी है इस टाइम, बट हाँ बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है, ठीक है भाई। सो देयर यू गो, गाड़ी जो है कितनी चली है पहले आप लोग वो चेक कर लीजिए। अभी बनाया इसमें कितना? मैं इसमें अभी चलाता हूँ, ये देखो भाई, बोरी 15,816। हाँ जी, स्टेयरिंग में बटन नहीं आते, ये लगवा नहीं सकते यार? वो ना थोड़ा रिस्की होता है कि एयरबैग खुलेगा, तो थोड़ा रिस्क वाला मैटर है। बाकी सोच रहा हूँ मैं कुछ, अगर मैं कराऊंगा तो स्टीयरिंग कंट्रोल लगाऊंगा सीधे इसके अंदर, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग लगाऊंगा। लग सकता है? नहीं, मेरी फॉर्च्यूनर का लग जाएगा। वेरी नाइस। और ये आप लोगों का जो सीवीटी ट्रांसमिशन है, कौन सा ट्रांसमिशन है? सीवीटी है ये, सीवीटी वाला ट्रांसमिशन है जी, सीवीटी है। चलो भाई, और कैसा जर्की है, कुछ है सर? बिल्कुल एक भी जर्क नहीं, एक्चुअली है भी 7+1, 7 फ्रंट के 1 बैक का, एंड ये गियर नॉब भी रैप्ड है लेदर में। वेरी नाइस। और ये कौन सा, 5290 है कौन सा? हाँ, ये 5290 है। ऑडियो में भी आपने अपग्रेड करा रखा है? ऑडियो अपग्रेड नहीं, सिर्फ ये तो मैंने कंपनी से लगवा लिया था, ठीक है। बाकी और कुछ ऑडियो में सिर्फ नॉर्मल कंपनी का स्पीकर था, बट हाँ बेस वगैरह इसकी वजह से अच्छी है, ठीक है। जिस टाइम पे आपने गाड़ी खरीदी थी तब कितने पैसे स्पेंड किए थे? यार ये मेरे को 1260 समथिंग की पड़ी थी विदाउट ये सब कुछ, ठीक है, ये लगे बिना। हाँ, तो 1260 में वर्थ था भाई, बहुत वर्थ था। अगर चला के देखोगे आपको सब लग जाएगा कि हाँ वर्थ। नहीं, मैंने तो चलाई है गाड़ी, मेरे को तो पर्सनली अच्छी लगी, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं चल पाई गाड़ी?
यार टोयोटा की ना हर चीज ओवर प्राइस्ड है सिर्फ, और टोयोटा को मार्केटिंग करनी नहीं आती, सिंपल एज दैट। अच्छा, टोयोटा से गाड़ियां नहीं बिक सकती इंडिया में, टोयोटा के लिए बहुत मुश्किल है। चलो ये भाई ने बात आप लोगों को बताई है, ये है आप लोगों का ग्लोब बॉक्स, स्पेस आप लोगों के सामने है, इसमें ये आमरेस भाई ने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, ठीक है भाई, ये आफ्टर मार्केट लकड़ वाला जो आपका आमरेस आता है वो है। और ऐसा कुछ लगता है कि यार यार इसको डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए था इंडिया से, जैसे डिसकंटिन्यू वापस आ रही है 23 से 24 में, ये सेम गाड़ी सेम सिर्फ फेसलिफ्ट बम्पर वगैरह चेंज के साथ ईवी के अंदर आ रही है, ईवी के अंदर आएगी, लेकिन नॉर्मल नहीं आएगी, नॉर्मल आएगी, हाइब्रिड आएगी। अब जैसे इन्होंने इनोवा थोड़े टाइम के लिए डीजल वाला उनका डिसकंटिन्यू करके फिर ले आएंगे वापसी। हाँ जी, वो तो उनकी बुकिंग ज्यादा हो गई थी ना, बुकिंग ज्यादा हो गई, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों का फुल जो है इसमें लेदराइट तो नहीं है, नॉर्मल है सर, लेदर फिनिश है, यहाँ पे स्टिचिंग लेदर फिनिश है, ओके, हाँ जी, बाकी सब नॉर्मल है। Very nice. आप लोगों को मेन गाड़ी का जो एक सेडान कार की जो फील होती है, ठीक है, वो पीछे बैठने की होती है कि सेकंड रो इस गाड़ी की कैसी है, तो आप लोग खुद देख सकते हो, भाई ने पॉलिश वॉलिश सब कुछ रखी हुई है गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो काफी अच्छे। एक बार बैठ के दिखाओ यार पीछे, दोनों भाई बैठ के यही बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाओगे, मैं तो आ जाऊंगा, मुश्किल है, तो बैठ के दिखाओ जरा लोगों को, देखना भाई, वैसे मेरे हिसाब से सीट सेट है तो मेरा थोड़ा बैठना मुश्किल है ऐसे, ठीक है, बस लेकिन कम्फर्ट कैसा है जो रियर में लोग बैठते हैं ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों का सियाज है, ठीक है, वरना है होंडा सिटी, सियाज में तो ज्यादा है पीछे मुझे लगता है, नहीं सियाज का हेडरूम बहुत कम है, अभी मैं इसमें सीधा बैठा हूँ ना, करेक्ट, मैं उसमें पटके में भी ऐसे बैठना पड़ता है, मैं सियाज में सीधा नहीं बैठ सकता, सियाज का हेडरूम बहुत कम है, तो मतलब ये परफेक्ट फोर सीटर कार है, हाँ जी कह सकते हो, बट मेरी सिर्फ वन या टू सीटर ही चलती है मेरी। चलो ठीक है, एक बार डिक्की दिखाते आओ। अब बूट स्पेस के बारे में आप लोगों को काफी सारे लोग पूछते हैं, अच्छा ये इधर से खुलने का नहीं है इसका, ये भाई खोलेंगे। गाड़ी के स्पेयर पार्ट जब चाहिए होते हैं ना तो बंदा सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है कि यार भैया मेरे को स्पेयर पार्ट ओरिजिनल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और उससे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया यार मैं इस दुकान में जाऊंगा, उस दुकान में जाऊंगा, इस शोरूम में जाऊंगा, शोरूम में जाऊंगा, ये पार्ट की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, परेशानी बहुत ज्यादा है। तो इस परेशानी का जो हल है वो आप लोगों के लेके आया है www.budmo.com। Budmo.com आपने हमारे मुंह से बहुत बारी सुना है, हम लोग पर्सनली भी Budmo को जो है ना चेक करते रहते हैं अपने सामान ऑर्डर कर करके, और हम लोगों को ऑन टाइम डिलीवर जो है वो Budmo करा देता है। Budmo करता क्या है, Budmo आप लोगों को जो है स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराता है, अगर आप लोग OEM स्पेयर पार्ट चाहते हैं तो आप लोगों को OEM स्पेयर पार्ट भी मिलता है, और अगर आप लोग आफ्टर मार्केट या फिर उससे मिलते जुलते कोई प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन ब्रांडेड, तो वो आप लोगों को जो है Budmo के साथ मिलता है। साथ ही साथ में अगर आप इसमें ऑर्डरिंग करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट के थ्रू, एंड्रॉइड फोन के थ्रू और iOS फोन के थ्रू जो है ऑर्डरिंग करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप लोगों को हर मीडियम के थ्रू ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट Budmo, इसके अंदर आप लोगों को कैटलॉग मिल जाती है, ब्लूप्रिंट मिल जाता है, विन नंबर से सर्च कर सकते हो, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपने ज्यादा सोचना नहीं है, ऑर्डर कीजिए और आज ही अपने स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट से मंगाइए, जो कि है www.budmo.com। बूट जो है वो हम ओपन कर देते हैं, ये भी काफी स्पेशियस है। हाँ, बहुत मैं इसमें खुद लेटा हूँ एक बार। अच्छा, तो होंडा सिटी और वरना में अगर कंपैरिजन करते हैं हम लोग, हाँ। बूट स्पेस करते, तो बूट स्पेस किसका ज्यादा है यार, मेरे को इतना पता नहीं, सेम ही लगता है मेरे को तो, ऑलमोस्ट तीनों का सेम, हाँ। है लेकिन जब तुमने बोला कि ये रेस में हरा सकती है वरना, और यार देखो मैंने कभी भगा के देखी नहीं, बट हाँ हाईवे पे जब आपकी राइड पे गए थे थोड़ा ट्राई करा था तो पीछे ही थी, पोल वगैरह धीरे चला रहे थे भाई वो, ठीक है भाई, ये भाई ने आप लोगों को कमिटमेंट कहा है, ये सब चीज है, आराम से चलती बाकी नहीं गाड़ी, चलो बहुत अच्छी बात है, शरीफ है, मैं शरीफ बच्चे हैं, हम धीरे धीरे चलाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है गाइस वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, हम लोगों ने जो है आपको हर चीज बताई, कुछ बताना चाहते हो लोगों को, कुछ है बता दो भाई, भाई रियर गाड़ी है बस मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है, ओनली वन इन इंडिया भी है, हाँ ओनली वन इन इंडिया, ये गाड़ी मैं क्लेम कर सकता हूँ ओनली वन इन इंडिया, अगर कोई और दिखा दे मैं अपनी किट उतरवा दूंगा, अरे भाई किट नहीं उतारनी, लेकिन भाई गाड़ी बहुत जेन्युइनली मतलब बहुत मेहनत से बना रखी है और पैसा भी लगाई रखा है भाई, किट विट में पैसे लगता है, किट में कितने पैसे लगाए थे उस टाइम पे कुछ आइडिया, अप्रोक्सीमेटली मेरी 20 से 25 के राउंड किट बनी थी क्योंकि दो बार बनी थी, ठीक है उसके बाद क्या कहते हैं पेंट, मेरे पेंट्स पूरी एक बार मैंने कराई क्योंकि आपको पता है फाइबर में फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो मैंने दो बार पूरी मेरी किट पेंट है, उसके बाद आगे की दो बार अलग से पेंट है, पीछे की एक बार अलग से पेंट है क्योंकि लग गई थी गाड़ी, ओके, तो उसके बाद लाइक अप्रोक्सीमेट मेरा किट का खर्चा अगर तुम मानो टोटल 50 के अराउंड, वेरी नाइस भाई, चलो भाई आप लोगों ने टेस्ट देख लिया है,
आज हमारे पास दोनों भाई आए हुए थे। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी अपना फीचर माई कार में गाड़ी को लाना चाहे, अब दिल्ली वालों को प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर के लोग हैं, अगेन आप लोग वीडियोस बना के भेजेंगे तो हम लोग उसमें नरेशन कुछ ना कुछ करेंगे। इंस्टाग्राम में आप हमें भेज सकते हैं मुसाफिर 7811, उसमें आप मेरे को DM करो। हो सकता है कभी रिप्लाई ना आए, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि सबको रिप्लाई दे, सब कोशिश करते हैं। संडे राइड में आप लोगों को काफी अच्छा मिलेगा और वहीं पर आप लोगों का इंटरेक्शन होता है और फीचर माई कार वहां से भी आप लोग जो है टुगेदर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर तक ग्यारह, फेसबुक मुसाफिर कार्स। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कैसे करते हैं, बाय 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 बाय।